श्री का प्राणायाम। धे मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। ये संकल्प है हमारे जीवन का। लंबे गहरे श्वास, सामान्य गति, मध्यम गति। देखो ये तो सब कर सकते हैं, ये मध्यम गति, और ये जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसे कर लेना। चुपचाप नहीं बैठना, अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करते वो क्या है? राक्षस हैं। इसलिए अकर्मण्य होकर के कभी नहीं जीना। कुर्वन्ने विह कर्माणि जिजी विचे चतं समाह एवं तो इनान्यथे तो न कर्म लिप्यते नरे। चलो करो भस्त्रिका करना। धीर मार्ग पर चले वीर तो, मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, अरे हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। हाँ ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, अरे हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा अतुलित साहस, और तुम्हारा अतुलित साहस तीर की भांति अचल है। ओ साथी केवल पल भर को, ओ साथी केवल पल भर को, माया मोह विसारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, अरे हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। भस्त्रिका के बाद अब कवार भाति। ये भी तीन तरह से होगा, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, ये सामान्य गति। मध्यम गति से करो। देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। कुछ तो इसी में घबरा जाते हैं, बाबा जी लक्ष्य बहुत ऊंचा दे दिया आपने। हमारे ब्रह्मचारी घबरा जाते कभी कभी, तो मैंने देखा कभी कभी तो बड़े बड़े विद्वान भी विचलित हो जाते। प्रारभ्य तनु खल विघ्न भय ननी चई, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्य, विघ्न ही पुनः पुनः प्रति, विघ्न ही पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जान परित्यजंती। मैंने देखा ये सामाजिक जीवन में, आर्थिक राजनीतिक आध्यात्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में लोग ना बड़ा लक्ष्य सामने जब दिखता है ना तो घबरा जाते हैं। अरे भाई एक एक कदम बढ़ाए, आगे बढ़ता है, मंजिल मिल जाएगी भाई एक दिन।
कपाल भाती करते रहो, रुकना नहीं, मध्यम गति से कर लो। देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो साथ तुम्हारे, और न सोचो साथ तुम्हारे, आज कहाँ तक जग है, लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर, अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, हर हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। पर ही आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। कपाल भाती, बीच में रोकना नहीं, कंटिन्यूटी में। योग, कर्म योग, ज्ञान हमारे भीतर अखंड रहे। एक क्षण भी अज्ञान आ गया ना, तो ये अज्ञान का वायरस पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे करैक्टर को करप्ट कर देता है। एक क्षण का अज्ञान नहीं आना चाहिए, एक क्षण की भी अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए, हमारी निष्ठा खंडित नहीं होनी चाहिए, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ टूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ये जीवन ना बहुत सरल है समझे तो, नहीं तो आदमी ऐसी उलझन में खोता है कि ऐसे फिर बावड़े बावड़े काम करता है, उल्टे उल्टे काम करता है, कहता है फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई, गड़बड़ तूने की है, हमारी एक आदत है, ठीक हो गया तो मैंने किया, गड़बड़ हो गई बोले पता नहीं बाबा जी कुछ ना ऐसा प्रारब्ध का खेल है, कुछ गड़बड़ हो गई तो बोले तो पाकिस्तान ने कर दी। अरे तुम्हारे यहां सारे काम पाकिस्तान करता है तो तुम क्या करते हो भाई, कुछ भी गड़बड़ हो जाए बोली अमेरिका ने कर दी, ये पाकिस्तान ने कर दी, ये चीन ने कर दी, ये विपक्षी दलों ने कर दी, कोई सत्ता पक्ष में हो तो, कोई विपक्ष में हो तो बोले सत्ता पक्ष ने कर दी, घर में कुछ गड़बड़ हो जाए बोले हमारे पड़ोसियों ने कर दी, रिश्तेदारों ने कर दी। भाई हम फिर क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाए बोले बाबा जी मैं तो अच्छा करना चाह रहा था, क्योंकि प्रारब्ध का खेल है, ये सब बावड़ी बावड़ी बातें छोड़ो। तुम अपने लिए और अपने देश के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो, अपना कर्तव्य ठीक से निभाओ, ये बहकी बहकी बातें मत करो, इसने गड़बड़ कर दी, उसने गड़बड़ कर दी, प्रारब्ध ने गड़बड़ कर दी, पड़ोसी ने गड़बड़ कर दी, सीधे बैठो, जागरूक बनो, होश में रहो। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है, आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है, आज तुम्हारे स्वर के साथी, आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर है, ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, आगे सदा निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, हर हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, हेय मार्ग पर चले वीर तो, हेय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अपन निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, हाँ हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, हर हिम्मत
हिम्मत कभी न हारो, वीरों हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। हिम्मत कभी न हारो। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, भगवान का प्रतिनिधि हूं, प्रतिरूप हूं, मूर्त रूप हूं, जीवंत स्वरूप हूं। समरे साथ बोलिए, तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अहम राष्ट्रोऽस्मि। मैं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं राष्ट्र हूं, मैं धर्म हूं, मैं संस्कृति हूं, मैं योग हूं, मैं योगी हूं। जब ये ऊंची भावना रहेगी ना, ऊंचा संकल्प रहेगा, तब एक क्षण के लिए भी हम नीचे नहीं गिरेंगे, ऊंचे उठते चले जाएंगे। ऊर्ध्व आरोहण होना चाहिए, ऊंचे उठने के लिए भगवान ने बनाया। वेद का एक मंत्र है, मेरे साथ बोलो, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। तो वेद का मंत्र, वेद का उपदेश क्या है, बोले मनुष्य मैंने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया, भगवान कह रहे नीचे गिरने के लिए। और मैं कह, नीचे गिरने में कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, कोई एवरेस्ट पर भी पहुंच जाए ना। मैं पिछले दिन नेपाल था, मैंने देखा एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा उसको सागर माथा बोलते हैं कि सबसे ऊंचा माथा है वो दुनिया का। उस पर भी कोई चढ़ जाए ना, चढ़ने में लगेंगे बहुत दिन, एक डेढ़ महीना लग जाएगा, और गिरने में एक क्षण लगता है, ऊपर से हाथ छोड़ दे नीचे पड़ेगा, गिरने में समय नहीं लगता भाई। ऊंचा उठ, कहते ना इसने तो सती छोड़ दिया, बस नीचे गिर जाएगा भाई। चलो कपाल भाती, ऐसे कितनी देर करना है रोज, कम से कम 5-10 मिनट रोज करना, और जिनको असाध्य रोग हो तो आधा एक एक घंटा हम करा देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो जाते हैं, इसके कितने लाभ हैं, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, सारे स्टोन खत्म हो जाते हैं, लीवर की कोई भी दिक्कत, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, भूख कम लगना, लीवर की बहुत दिक्कत है। जिनको ज्यादा समस्याएं हो उनको सभी प्राणायाम सामान्य गति या मध्यम गति से करने चाहिए, जो बलवान है उनको अपने गति के अनुसार शक्ति उसमें बढ़ा देनी चाहिए। लीवर की कोई समस्या हो, आंतों की कोई भी समस्या, आंतें कमजोर हो जाती है, आंतों पर स्वेलिंग आ जाती है, उसको कोलाइटिस कहते हैं, खाने की तुरंत बाद फिर शौच जाना पड़ता है, किसी किसी को फिर शौच होता ही नहीं, आंतें मल को छोड़ती नहीं, कमजोर हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, अंदर फिर गैस बनने लगता है, इतनी गैस बनती है किसी किसी को तो फिर संकोच होता है, शर्म आती है, ऊपर से भी गैस, किसी किसी को तो जब देखो तभी जैसे गैस करेक्शन परमानेंट ले रखा हो, बहुत बुरी हालत रहती है। गैस ऊपर से भी और फिर नीचे से, साहब कुछ लोग तो बड़े कंट्रोल करके, समूह में बड़ी दिक्कत होती है, कहीं जरा सा तेज आवाज आ जाए तो सब देखते ये क्या हो गया। गैस है तो छोटी सी बात, अब उसको रोक ले तो ऊपर चढ़े और फिर आदमी की हालत खराब हो जाती है, इसलिए छोड़नी तो पड़ती है, बना ही नहीं कुछ ऐसा कर लेना भाई, ये पूरी गैस निकल जाती है अपने आप, पेट एकदम ठीक। गैस कहने को छोटी सी है, गैस का कारोबार करीब 10,000 करोड़ रुपए का है, वो वाली नहीं, भारत गैस और इंडियन गैस वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो जो गैस का सिलेंडर
उस वाली वो तो लाखों करोड़ की बिकती है, यही कोई चूर्ण बेच रहा है, कोई चटनी बेच रहा है, कोई पता नहीं कोई सोडा बेच रहा है, कोई नाम रख देते हैं सोडा जी गैस गो फलाना गो। गैस इतनी बनती है लोगों को, हम भी एक चूर्ण बनाते हैं गैस, हर चूर्ण बहुत ज्यादा खाते हैं लोग, गैस जिसको देखो इसी के गैस बन रही है, फिर किसी किसी का पेट तो इतना फूल जाता है पूरा गुब्बारे की तरह, फुटबॉल की तरह। बोले बाबा जी इतना फूला रहता है। बोले बाबा जी मेरा पेट इतना मोटा नहीं है, इसमें गैस भरी हुई है। तो मैंने कहा निकाल ले इसमें क्या है। कपाल भाती गैस एसिडिटी, किसी किसी को तो इतनी जलन होती है। एक तो ज्यादा मिर्च नहीं खानी चाहिए, आंख की तरह हमारी आंत भी बड़ी नाजुक होती है, लाल मिर्च खा के तीखा तला खा खा करके अपने पेट में जख्म कर लेते हैं, फिर भी खाए जा रहे लाल मिर्च। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का फड़का ले, मुंह फड़कता है, जीभ फड़कती है, फिर यहां पेट कड़े तो थक थक करता है, और फिर दूसरे दिन जहां से फड़कता है पता है सबको, खा ले लाल मिर्च। आदमी जो है बौड़ा हो रखा है, और लाल मिर्च खाने से कंसंट्रेशन भी कम होता है, ये रिसर्च हुआ है। इसलिए खिलाड़ियों को और जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, कमांडो आदि को स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग आदि लेते हैं, उनको लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, इससे कंसंट्रेशन टूटता है, दिमाग का एक पुर्जा ढीला हो जाता है। वैसे भी आप देखो लाल मिर्च खाते माथे पर पसीने आते हैं, थोड़ी मात्रा में कोई भी चीज नुकसान नहीं करती लाल मिर्च। जब बहुत लोगों का आग्रह है तो हमने भी शुद्ध रूप में उपलब्ध कराई। अब उसमें भी अलग अलग जगह की मिर्च का अलग अलग तरह का तीखापन होता है। इधर एक आसाम की तरफ छोटी सी मिर्च होती है गोल मिर्च, पता है ना, उसको सब्जी के ऊपर रख दो और उसका पानी भी टपक जाए ना तो भी खखट्टा उठता है पूरा जोर का। तो लेकिन ज्यादा मिर्च खाओगे तो कलेजा फूकोगे, कुछ तो उठते ही चाय पिएंगे कलेजा फूकेंगे। ये की कौन सी परंपरा भाई, उठ के गर्म पानी पियो, उठते ही कलेजा फूक लेते, फिर बोलते बाबा एसिडिटी होगी, तो ऐसे डालता उठते ही सुबह से शाम तक अत्याचार करता है। बावड़े थोड़ा होश में रहे, कुछ भी आदमी डाल लेता है जो भी आए, जैसे कूड़ादान हो, गुटखा भी अंदर, बियर भी अंदर, दारू भी अंदर, मुर्गा मुर्गी भी अंदर, बकरा या उसको भी अंदर, कुछ तो भैंसा ही खा जाते। मैं एक बार ओमान में चला गया साहब, करीब 10 साल पहले की बात है, 9-10 साल पहले की बात है, तो वहां के बड़े शेख ने बुलाया, उसकी पत्नी बीमार थी, फिर मैंने उसको देखा, उसके लिए प्राणायाम बता दी, औषध बता दी, उसके बाद जैसे टेबल पर बैठे साहब पूरा का पूरा ऊंट परोस रखा। हमें तो देख करके समझ में नहीं आया अड़ंगा क्या है, कैसे लोग हैं वो, उनको दया रहम भी नहीं आता। यूं तो शमशान में जाने से कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं, लेकिन अपने पेट को शमशान और कब्रिस्तान बना लेते हैं। भूतों से डरेंगे, भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या लोगों को गलत फहमियां हैं। अरे भूतों से मत डर, अपने पेट को भूतों का कब्रिस्तान शमशान मत बना है। बोलते बाबा जी मेरे ऊपर ऊपरी पराई हवा लगी हुई है। मैंने कहा तेरे ऊपर ऊपरी हवा ही पराई हवा कुछ नहीं चढ़ी हुई, तेरे ऊपर भैंसा चढ़ा हुआ है, बकरा मुर्गा चढ़ा हुआ है तेरे ऊपर। ये सारी जीवात्माएं तो तेरे भीतर चढ़ा रखी है ना, ये तुझे सताएंगी। सिलो मांस खाने वालों, जो मांस खाएगा वो बच ना पाएगा, वो सारी आत्माएं जो तुमने मारी है ना वो तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए ये मांसाहार आदमी तर्क देता है,
बोलो उससे उसमें ये होता है उसमें वो होता है। अरे उसमें आत्मा होती है कि नहीं होती, बोलो बोलो। उसमें दिल होता है कि नहीं होता, उसके भी दिमाग होता है कि नहीं होता, उसको मारते हैं तो उसको कष्ट होता है कि नहीं होता, उसका भी खून बहता है कि नहीं बहता, उसको तो कत्ल कर देते हो और तुम्हें कोई सुई भी चुभे तो दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारे लिए पुलिस थाने कानून सब बने हुए हैं भाई। अब ये दया करो जीवों पर भी, कितने जीवों को तुमने शमशान, कितने जीवों का कब्रिस्तान तुमने अपने पेट में बना लिया। और याद रखो, जो करोगे जैसा करोगे वैसा। एक बोले बाबा जी मुर्गा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो बहुत तरह का तर्क करने लगा, इसके अंदर ये होता है, अंडे में ये होता है, इसमें B12 होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये सारे तर्क हमको भी आते हैं, लेकिन एक बात हमको ये समझ में आती है, यदि एक बार मुर्गा खाया तो मैंने कहा था ना, जो हम करते हैं उसका कितना गुणा होके मिलता है, अनंत गुणा होके मिलता है। तो मुर्गा खा लो, लेकिन तुम भी अनेक जन्मों तक मुर्गे बनने के लिए तैयार हो जाओ। खा लो बकरे, फिर बकरे बनोगे और कटोगे और फिर खाओ जाओगे, तो चक्र है, इस मत फंसो। इसलिए कहते हैं योग में सात्विक आहार, किसी जीव जंतु की बात नहीं। यहां लोगों ने सुअर को और गाय को भी सांप्रदायिक बना दिया, तो गाय ने किसका क्या बिगाड़ा और सुअर ने किसका क्या बिगाड़ा। जब दुनिया में कोई मजहब नहीं था तब भी सुअर था, तब भी गाय थी। इसलिए भाई ये संप्रदायों के चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे रास्ते पर चलो। भगवान ने जहां पैदा कर दिया बस आगे बढ़ो। ज्ञान की शुद्धता, प्रेम की शुद्धता, निष्ठा की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, आचरण की शुद्धता, बस यही जीवन है, बाकी और कुछ नहीं। और जिसके ज्ञान की, निष्ठा की, कर्म की, आचरण की शुद्धता होगी, उसके आहार की शुद्धता, वाणी व्यवहार की शुद्धता, उसके कर्तव्य की शुद्धता तो होगी होगी। कपालभाति के बाद आओ भाई प्राणायाम करते हैं। तीन बंद के साथ भाई ये प्राणायाम लगता है, एकाग्रता पूर्वक करो और जीवन को पूर्ण शुद्धता के साथ जीने का संकल्प। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता के साथ है। जो चरित्रवान है वही अपरमान। श्वास बाहर छोड़ के तीन बंद के साथ ही करना है और पांच बार कर लो ऐसा, फिर तीन से पांच बार उज्जाई कर लेना। आइए मेरे साथ साथ करते रहिए। तन हमारा मन हमारा अन्न, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से, योग भवति दुःख। इनमें पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिर्लब्धि सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, जो
चरित्रवान ही यहाँ महान है। मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम्हारा ये जन्म जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म, करो भले कर्म, अच्छे रखो विचार उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। वचन कर्म से पवित्र है, चरित्रवान ही यहाँ महान है। मन वचन कर्म से पवित्र है, चरित्रवान ही यहाँ महान है। उज्जयी प्राणायाम, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, ये बहुत जरूरी है। ये भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम के बाद थोड़ा सा आपको ये अग्निसार क्रिया करवा देते हैं, जो कर सके वो नोलित क्रिया थोड़ी सी कठिन होती है, फिर उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और सांसों पर ध्यान, ये आठों की आठ प्रक्रिया करने से पूरा संतुलन होता है, तो फिर कोई रोग नहीं रहता, कोई रोग होगा नहीं, और जो कोई रोग हो चुका है वो मिट जाएगा, पहले कंट्रोल बाद में क्योर हो जाएगा, पूर्ण निरोगी पूर्ण योगी होकर के आप जिएंगे।